बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि ज़िंदगी के नए रंगों के साथ और नई उम्मीद के साथ आप बहुत खुश खुर्रम होंगे। और आज 22 रजब की सुबह है और मेरी एक फ्रेंड ने कुंडे उनके घर में न्याज है उस पर मुझे दावत दी है और इतने खलूस से वो दावत देती हैं कि उनको रिफ्यूज़ मैं नहीं करती। आल्दो कि मैंने कॉलेज भी जाना है और मुबशर का ऑफ था और मुबशर के बाबा का भी फिर साथ ऑफ ही होता है जब मुबशर का ऑफ होता है, बिकॉज फिर मुबशर ने घर में अकेले रहना होता है और जो मेड है वो भी थोड़ी देर से आती हैं इस तरह से। और वैसे भी उनके पास हम अकेले इनको नहीं छोड़ते, मुबशर को, इनके बाबा फिर इनके साथ ही रहते हैं। तो जनाब हम लोग अभी जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर और ये गांव के कुछ मनाजर आप लोग देखें। सुबह सवेरे चिड़ियाँ जो है वो कितना प्यारा मंजर पेश कर रही हैं। ये पुराना एक मंदिर था हमारे गांव का, ये भी कभी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर। गांव में इसी तरह से होता है, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखा भी जाए तो भी फिर इस तरह से आपको रैपर वगैरह ये चीज़ें नज़र आती हैं। हालांकि जगह जगह डस्टबिन भी बने हुए हैं और अब बल्दिया ने और जो गांव की सोसाइटी है उन्होंने मिलकर इस तरह से कूड़ादान वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या करें कि आदत हो गई है इस तरह से लोगों को और लोग इसी तरह से कूड़ा क्रिकेट और रैपर वगैरह इस तरह फेंक देते हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं उनके घर और उनके घर के पास भी ये बहुत प्यारे खेत हैं और उनके घर में भी काफ़ी पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो मैं जब न्याज वगैरह से फ्री हो चुकी तो फिर मैंने उनके पौधे वगैरह भी देखे, लेकिन सुबह मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर सकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था और बेशुमार ख़वातीन भी थीं और मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा थे, मर्दों का अलग से इंतज़ाम था। और ये देखिए कि न्याज में उन्होंने क्या बनाया हुआ है, ये मीठी टिक्कियाँ हैं और ये चना चाट है जो कि चिकन भी डाल के बनाई गई है और ये है खीर, बहुत ज़बरदस्त खीर बनाती हैं ये और बहुत ही मज़े की खीर होती है और मुझे स्पेशली इनकी खीर बहुत पसंद है। और ये पूड़ियाँ हैं, खीर पूड़ियाँ, और ये वाली टिक्कियाँ भी हैं, मीठी टिक्कियाँ जिनको बोलते हैं, और दूसरी पूरी जो आप देख रहे हैं। तो काफ़ी हैवी ये नाश्ता हो जाता है, साथ चाय का भी वो एहतमाम करती हैं, यानी सबके लिए तो चाय नहीं हो सकती इतनी सुबह सुबह, लेकिन जो चंद एक मखसूस मेहमान होते हैं उनके लिए तो चाय का भी इंतज़ाम होता है, तो मेरे लिए भी अक्सर वो चाय का इंतज़ाम करती हैं। लेकिन आज जो मैंने उनको जाते ही बता दिया था कि मैंने कॉलेज भी जाना है और टाइम कम है। इस वक्त आ चुके हैं हम लोग अपने स्टॉप पे और स्टॉप पे मैं वेट कर रही हूँ कि मैंने आज एक और गाड़ी पे जाना है अपने कॉलेज, क्योंकि मुबशर के बाबा ने मुबशर के साथ घर में रहना है तो ये मुझे ड्रॉप करने नहीं जा सकते और मेरी जो पर्सनल गाड़ी थी वो भी अभी फ़िलहाल नहीं है अवेलेबल। तो फिर जाहिर है कि मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, जो हमारी कॉलेज वैन है उसी पे मैं जाऊंगी। और अभी ये हमारे गांव के बाहर का मंज़र है जो आप देख रहे हैं, सुबह सवेरे चिड़ियाँ बोल रही हैं दरख्तों पे और ये परिंदे उड़ रहे हैं, सरसों के खेत और गंदम के खेत और ये सारे बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। इस गाड़ी की आवाज़ सुनने के लिए आपको कैसे लग रही है? बहुत ही स्पीड में गाड़ी जाती हैं, लेकिन कॉलेज में जो है पानी का इंतज़ाम हो रहा है। तो जनाब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला करे बहुत अच्छा मीठा और सुंदर बख्श जो है वो पानी निकले, ताकि हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं वो अच्छा पानी उनको दस्तियाब हो सके और उनको इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। तो अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाब करे। और वैसे तो यहाँ पे जो वाटर सप्लाई है उसका पानी आता है। ये देखिए एक ऑर्चर्ड है जहाँ पे ये लोकाट वगैरह लगे हुए हैं और साथ में अमरूद का भी एक पौधा है। ठंडी ठार हवा चल रही है और बादल बने हुए हैं और ये कुछ नज़ारे जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जनाब हम लोग वापस आए तो बहुत ही ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। दिल तो था कि कोई सूप वगैरह बनाया जाए और उस तरह से अपनी सर्दी को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन हमारे एक बाबा जी हैं जो कि बीमार थे
तो उनकी तरफ हमें जाना पड़ा पूछने के लिए, तो सुनिए उनकी जबानी। लगी बाजारो मैं सोने का केल लेना लख पा बनिया असा डोल नू मिल लेना चिड़ी चबारे डठी बाजारे बेच माइया पट्टी नहीं बजती जख्म गले जे बेच माइया। बाबा जी माशाल्लाह बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं, बाज़ौक शख्सियत हैं। अक्सर व बेशतर जो है वो गाज़ी मुरीद हुसैन के दरबार पे महफ़िल मिलाद और महफ़िल समा का अहतमाम भी करवाते हैं, और उसके अलावा भी इनके पास काफ़ी लोग आते हैं, दम वगैरह भी ये करते हैं, और वैसे भी लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।